हेलो गाइस तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ आप डाल सकते हो बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चनस आते हैं भैया है, मेरे इंस्टाग्राम में भैया लाइक वाइट ज़्यादा डलती है कंट्रोल नहीं रहता बॉलिंग में तो क्या करें तो उस उसके ऊपर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कैसे आप कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ डाल सकते हैं एंड क्या रीज़न्स हैं आपकी लाइन एंड लेंथ कंसिस्टेंट नहीं रहती है बिकॉज आजकल क्या होता है कि आप टी ट्वेंटी क्रिकेट खेलते हो आप वनडे क्रिकेट खेलते हो इवन आप अगर डेज मैचेस भी खेलते हो आपकी बॉलिंग पर कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है पेस ही सब कुछ नहीं होती गाइस स्पेस के साथ एक अच्छे टप्पे का अच्छे लाइन एंड लेंथ का कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट वरना पेस तो आप देखिए पहले वरुण एरॉन भी वन फिफ्टी डाला करते थे लेकिन उनके पास कंट्रोल नहीं था बॉलिंग में एंड उस उसी वजह से वो टीम से बाहर ही अंदर बाहर ही अंदर होते रहते थे लेकिन अब उन्होंने अपनी लाइन एंड लेंथ पे काम किया अपने कंट्रोल पे काम किया उसकी वजह से अब वो कंसिस्टेंटली खेल भी रहे हैं तो पीस के साथ साथ लाइन एंड लैंग्थ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 150 भी डाल रहे हैं लेकिन आपको कंट्रोल नहीं है तो आपको रन खाने के ज़्यादा चांस है लेकिन अगर आप 130 140 के बीच में भी डाल रहे हैं एंड अच्छा लाइन एंड लेंथ अच्छा कंट्रोल आपके पास है जब चाहे आप योकर डाल रहे हैं जब चाहे आप बाउंसर गुड लेंथ डाल रहे हैं उससे क्या होगा कि आपके चांसेस ज़्यादा हैं विकेट लेने के डोमिनेट करने के तो बात करेंगे कि सबसे पहले आपका क्यों नहीं होता है आपका लाइन एंड लेंथ अपने कंट्रोल में क्यों नहीं है आपकी बॉलिंग तो उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं आप लोगों के लिए गाइस कि हमने एक प्रोग्राम uh, रखा है जिसमें हम नॉर्मल अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग को ट्रा ट्रेन करते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उनका मैसेज आता है सर हम आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए हमने उन्हीं फाइनेंशियल वीक लोगों के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हम 195 नाइन्टी uh, पर मंथ में उनको ट्रेनिंग डाइट न्यूट्रिशन एंड उनका एक्शन एनालाइज करके उन्हें जो वीक पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे एंड उन्हें हेल्प करेंगे कैसे आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो उसमें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो ठीक है तो हम लेट स्टार्ट आज हम कुछ रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर बॉलिंग डलती नहीं है आपके प्रॉपर कंट्रोल नहीं आता आपकी बॉलिंग में तो सबसे पहला रीज़न है जो गाइस दैट इज़ लेटरल फ्लेक्शन जी हाँ लेटरल फ्लेक्शन आपके अगर एक्शन में दिक्कतें हैं अगर, 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 अगर आप एंगलर रनअप करके भाग के आते हैं जंप इन जंप आउट होता है उसकी वजह से अगर आपकी बॉडी गिर रही है उस केस में मोस्टली क्या होता है कि आपका इन स्विंग होगा एंड आपकी जो बॉल है वो मोस्टली राइट हैंडेड को ज़्यादा वाइड की तरफ जाएगी लेग साइड ही वाइड जाएगी तो ये मैं हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि लेटर फ्रैक्शन क्यों होता है तो आप समझिए आपकी बॉलिंग में कहाँ दिक्कत आ रही है बिकॉज अगर आप सीधे भाग कर आओगे एंड आपका वो रिलीज सीधा है तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपका बॉलिंग जो है टप्पे पर गिरेगा और आपको मोटर बैटर कंट्रोल रहेगा तो अपनी बायो में काम करो आप जितना हो सके आप अपने ट्रैक्टर्स को ठीक करो उससे अपने पेस बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और भाई जो दूसरा रीज़न है इज़ फील ना होना बिकॉज़ क्या होता है एक बॉलिंग में फ़ील बहुत इंपॉर्टेंट है अगर चाहे आप अपने एक्शन की बात कर लो चाहे अपने रनअप की बात कर लो चाहे अपनी बात कर लो आप अपने टप्पे की या कंट्रोल की बिकॉज जब आप आपने देखा होगा जब आप बॉल ज़्यादा लेट रिलीज़ करते हो तो आपका बाउंसर डलता है बॉल आप जल्दी रिलीज़ करते हो तो आपका यॉर्कर डलता है तो वो फील होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब रिलीज़ करने से आपका बॉल कहाँ रिली टप्पे पर गिरेगा तो उसके लिए आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है आपको गुड लेंथ स्पॉट पर प्रैक्टिस करनी है आपको यॉकर की प्रैक्टिस करनी है बाउंसर की प्रैक्टिस करनी है एंड प्रैक्टिस कर करके कर करके कर, कर, एक ऐसा टाइम भी आएगा कि आप इस परफेक्शन हो जाओगे और आपको फील होने लगेगी चीज़ों की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द नेक्स्ट थिंग इज एक्ट ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाना जब हम लंबे डेज मैचेस खेलते हैं तो हमारी जो बॉडी है एग्जॉस्ट हो जाती है उस केस में बॉडी एग्जॉस्ट होने के कारण क्या होता है आपका माइंड भी साथ में एग्जॉस्ट हो जाता है तो माइंड एग्जॉस्ट हो गया तो समझ लीजिए कि आपका टप्पा पे बॉल गिरी नहीं सकता यू you नो know? आपके यॉकर नहीं गिरेंगे आपके बाउंसर्स नहीं डलेंगे बिकॉज बॉडी एग्जॉस्ट होने के बाद हम एकदम बॉल डल नहीं पाती है तो आपने ट्राई करें कि आप अपनी अपनी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाएं आप जितना जगह एरोबिक्स करें राइट आप शॉर्ट डिस्टेंस स्प्रिंटिंग करें स्ट्राइड्स लगाएं एंड अपना स्टैमिना एंड एंड्योरेंस बढ़ाएं बिकॉज गाइज़ लाइक अगर आप टी ट्वेंटी खेलें तो उसमें आपको ज़्यादा एंड की जरूरत है नहीं बट अगर आप डेज अगर आप खेल रहे हो तो उसमें एंड्योरेंस की बहुत जरूरत होती है बिकॉज आजकल टेस्ट मैचे में भी मैचेस को बचाना पड़ता है आपको लास्ट में आके अगर आप ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लास्ट uh, दिन का लास्ट ओवर बचा हो और आप उसको चार रन चाहिए उस टाइम पे आपका पैटर कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप अपने जितना सके क्या एंडोरेंस पर भी काम करिए साथ एक्स पॉइंट जो है गाइज इज आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होना जब आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होगी जब आप स्टार्टिंग में स्ट्रेट अगर आप ग्राउंड में आगे बॉलिंग करने लगेंगे तो आपका ज़्यादा चांसेस है कि आपके पे, बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहेगा बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है आपकी मसल्स जो हैं स्टिफ़ हैं आप घर से आए हो एंड आपकी मसल्स तो प्रॉपर वार्म अप नहीं है तो पहले आपको बॉलिंग से पहले वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बॉलिंग से क्या जब वार्म अप से क्या होगा आपकी मसल्स जो हैं वो फायर होंगी आप बॉलिंग से पहले मोबिलिटी करिए आप नॉर्मल स्प्रिंट्स करिए और उसके बाद जाके आप बॉलिंग में आइए तो ये वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइज़ जो आप चेक करिए कि आपके एक्शन में कहाँ डिफरेंस है आप अपनी प्रैक्टिस पे आप देखेंगे कि कहाँ आप सुधार ला सकते हैं अपने एंड पे काम करिए एंड उसके बाद अपना फील जनरेट करने में एंड वार्म अप में बहुत मदद करिए तो ये कुछ पॉइंट्स आप इन पर वर्क करिए एंड आपकी बॉलिंग में कंट्रोल होता जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन फॉर मोर ऑसम वीडियोज़